बरेली नगर निगम वार्ड नंबर 63 साहूकारा से निर्दलीय पार्षद राजेंद्र कुमार मिश्रा राजू मिश्रा से हमारे संवाददाता ने उनके निवास स्थान पर मुलाकात कर खास बातचीत की। बातचीत के दौरान पार्षद राजू मिश्रा ने बताया, पिछली बार उनकी पत्नी वंदना मिश्रा इसी वार्ड से निर्दलीय पार्षद चुनी गई थी। उनके कार्यकाल में हमने जो विकास कार्य कराए थे उसके बदले क्षेत्र की जनता ने इस बार हमें पार्षद चुनकर विकास की जो जिम्मेदारी दी है उसमें हम लगभग 95% पूरा कर चुके हैं और 5% कार्य हमारे कार्यकाल से पहले ही पूर्ण हो जाएंगे। पार्षद राजू मिश्रा ने बताया कि हमारा वार्ड भाजपा का गढ़ होने के बावजूद साहूकारा क्षेत्र की जनता ने पहले हमारी पत्नी और दोबारा अब हमें पार्षद चुनकर जो विश्वास हम पर किया है उस पर हम पूरी तरह खरा उतरने के प्रयास करते रहते हैं। पार्षद राजू मिश्रा ने बताया, नाला सड़क खरंजा सीसी रोड नालियों का निर्माण, पेयजल व्यवस्था एवं स्ट्रीट लाइट के साथ ही सीवर व्यवस्था को बेहतर कराने के साथ ही केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जनहित एवं जन कल्याण की योजनाएं जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान कार्ड योजना, उज्ज्वला गैस योजना आदि सहित सभी योजनाओं का लाभ अपने क्षेत्र के प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य किया गया है। इस सब की जानकारी देते हुए पार्षद राजू मिश्रा ने बताया। बरेली से रफी मंसूरी की रिपोर्ट। मेरा नाम राजेंद्र कुमार मिश्रा है और मैं यहाँ से वार्ड 63 साहूकारा से पार्षद हूँ। इससे पूर्व में पिछली बार मेरी पत्नी पार्षद थी। जनता ने मुझे दो मौके दिए हमारे परिवार को पार्षद चुनकर और हम उस पर खरा उतर रहे हैं। मिश्रा जी, जैसा कि आपका वार्ड जो है एक ऐसा वार्ड है जो कि भाजपा का किला कहते हैं जी, और यहाँ पर लगातार दूसरी बार निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव जीतना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जी जी, जहाँ पर मेयर से लेकर मंत्री तक अपने प्रयासों में कोई कसर नहीं छोड़ते जी जी, इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है कि एक तो हमारा सबसे भाईचारा वाली अपने व्यवहार हम रखते हैं, किसी के आज तक कभी हम किसी उल्टा सुलटा बोलते नहीं हैं और सबके काम करते हैं, चाहे वो गरीब आदमी हो, चाहे अमीर आदमी हो, चाहे भले ही हमारा विरोधी क्यों ना हो, हम विरोधी की भी अपने अगर उसकी सीवर लाइन बंद हो गई है तो खुद खड़े होकर उसके घर के आगे की सीवर लाइन साफ़ कराते हैं। इसलिए हमें जनता जो है यहाँ के चुन के भेजती है, वो कोई ये नहीं देखती है कि बीजेपी के हैं या इंडिपेंडेंट हैं कौन नहीं, भाई यही कारण है। मिश्रा जी, लगभग 4.5 साल का कार्यकाल आपका पूरा हो चुका है जी जी, तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपने 4.5 साल के कार्यकाल में कितने विकास कार्य कराए और क्या क्या कार्य कराए? 4.5 साल में मेरे करीब 3.5-4 करोड़ रुपए काम हो गए हैं, जिसमें सीवर लाइन है, पानी की लाइनें हैं और रोड है, और इसमें मैंने करीब इस टाइम आज तक की तारीख में मेरी जो है 56 रोडें सब बड़ी छोटी गलियों की मिला के बन गई हैं, और जिस मैं कम से कम मैंने 12-13 जगह पानी की लाइन डलवाई है, 12-13 जगह ही सीवर की लाइन डलवाई हैं, और बाकी तो लाइट वगैरह सब व्यवस्था सब बहुत चकाचक है। मिश्रा जी, जो आपने 56 सड़कों का जो निर्माण कराया है छोटी बड़ी जी, इसमें वो कौन सी सड़कें थी, कहाँ से कहाँ तक बनी है, जो कि बड़ी महत्वपूर्ण सड़कें थी? देखिए, एक तो हमारी साहूकारा गेट से लेके और ये आगे भाई जी का मंदिर है वहाँ तक रोड बनी, मेन रोड थी ये, बरसों से टूटी पड़ी थी, और ऐसी हमारा पूरा जैसे अपने भैया मोतीलाल है एक क्षेत्र हमारा जहाँ मंदिरों की अपने संख्या ज़्यादा है, तो लोग वहाँ से अलगनाथ, यहाँ से अलगनाथ भी जाते हैं, वो पूरी गली एक एक रोड मेन रोड सब बनवाई, और आगे केलाबाग चौराहे से लेके और अलगनाथ रोड तक हॉटमिक्स रोड बनवाई है, और छिपी टोले में भी अपने डीके इंटर कॉलेज से लेके और किला पुलिस चौकी तक हमने जो है हॉटमिक्स रोड बनवाई है, पूरे मोहल्ले की पूरा छिपी टोला हमारा मॉडर्न एरिया है, वहाँ की एक एक गली और मेन रोडें मैं सीवर लाइन मैं पानी के सब बिल्कुल नई बनवाई हैं दोबारा से। मिश्रा जी, कौन से ऐसे क्षेत्र थे जहां पर पूर्व पार्षदों ने सीवर पर, सड़क पर, सफाई पर ध्यान दिया था, वो कौन से ऐसे क्षेत्र थे जिनमें आपने कार्य करा? वो कोई ऐसा क्षेत्र था ही नहीं, इससे पूर्व जो भी हमारे पार्षद थे उन्होंने कभी कोई काम ही नहीं करा, खाली साहूकारे के 2-4 गेट उन्होंने बनवाए और अपनी गली अपने मरम्मत जो भी है बनवाई, बाकी सब ऐसे छोड़ दी, जनता उनसे त्रस्त थी, इसलिए मुझे 2 दफ़े उन्होंने जनता ने हमारे वार्ड का मौका दिया काम करने के लिए, अब मैं उनके इच्छा के अनुसार काम कर रहा हूँ अपने क्षेत्र की जनता के। मिश्रा जी,
लगभग कितने मीटर सीवर लाइन आप अपने कार्यकाल में अपने क्षेत्र में डलवा चुके हैं? करीब 700 मीटर सीवर लाइन और करीब 800-900 मीटर पानी की लाइन में हर क्षेत्र में डलवा चुका हूँ। आपके क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था घर घर तक पहुँच चुकी है या कुछ बाकी है? नहीं, मेरे क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था घर घर पहुँच रही है। अभी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो हमारा मोहल्ला जो है थोड़ा ऊंचाई पे है, शहर से थोड़ा ऊंचा है, तो वहाँ ऐसे 10-15 घर हैं जहाँ पानी की समस्या है और उनका भी जो है हम भविष्य में सब समाधान कर देंगे। स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था किस तरह की आपके क्षेत्र में आपके कार्यकाल में रही है? हमारे मेयर आदरणीय मेयर साहब की वजह से स्ट्रीट लाइटें हमें खूब मिली हैं, लाइटें खूब मिली हैं, हमने सब गली मोहल्लों में सब तरफ लाइटें लगाई हैं। कोई अंधकार आप रात में किस टाइम आ जाएँ कहीं आपको अंधकार नहीं मिलेगा, हर तरफ प्रकाश व्यवस्था मिलेगी। लगभग कितने ऐसे रोड होंगे जो कि बरसों से सीसी नहीं हुए थे और आपके कार्यकाल में हुए थे? आज़ादी से लेके अब तक कई रोड ऐसी थी जहाँ सीवर लाइन नहीं थी, जहाँ रोडें नहीं पड़ी थी, उन गलियों में मैंने सीवर लाइन पड़वाई। हमारे से हाथी वाला मंदिर है, यहाँ पूर्व पार्षद हमारे त्रिवेणीनाथ शुक्ला जी रहते थे, तो उनके घर से लेके वो मेन रोड तक मैंने सीवर लाइन डलवाई है और आगे भविष्य में जो है एक आध महीने में वहाँ रोड भी पड़ जाएगी। मिश्रा जी, जैसे कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जनहित और जन कल्याण की जो योजनाएं हैं, जैसे कि उज्ज्वला गैस योजना, आयुष्मान कार्ड योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना सहित लगभग एक दर्जन योजनाएं हैं जिसमें विधवा विधवस्था विकलांग पेंशन भी है, एक दर्जन की योजना है, तो आपके माध्यम से इन योजनाओं का किस कितना लाभ लोगों को मिल चुका है? देखिए, जो भी हमारे यहाँ गरीब वर्ग है उनने सभी योजनाओं का लाभ लिया है। सारी योजना जो अपने केंद्र सरकार की हैं, राज्य सरकार की हैं, उज्ज्वला हो, आयुष्मान कार्ड हो, या प्रधानमंत्री आवासीय योजना हो, या विधवा पेंशन हो, या और भी किसी प्रकार की जो भी योजनाएं चल रही हैं सरकार की, वो सबका भरपूर फ़ायदा हुआ उठाया है। कोरोना काल में जनता को मैंने बहुत अपनी तरफ से बहुत उनको लिए मदद करी है। मिश्रा जी, उज्ज्वला गैस योजना में कितने पात्र लोगों को आपके माध्यम से लाभ पहुंचा है? करीब 60-65 लोगों को उज्ज्वला योजना से मैंने जोड़ा है, जिनकी यहाँ कभी गैस ही नहीं थी, ऐसे गरीब लोग। आयुष्मान और प्रधानमंत्री आवास भी लगभग कितने लोगों को आपके माध्यम से स्वीकृत हुए? आयुष्मान कार्ड करीब 600 लोगों के मैंने बनवा के दिए हैं। मेरे पूरी लिस्ट है जिनके नाम होते हैं, तुरंत उनको अपने बुला के उनको घर जाके बताता हूँ कि भाई अपना आयुष्मान कार्ड बनवा लो, और लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कितने लोगों को आवास? प्रधानमंत्री आवास योजना के हमारे ज़्यादा तो ऐसा कुछ है नहीं, ठीक ठाक है, मगर एक दो लोगों को हमने सहायता पहुँचाई है उसमें। अच्छा मिश्रा जी, आपका ये दूसरा कार्यकाल है, इससे पहले आपकी पत्नी यहाँ पर पार्षद रहे। जी जी, हम ये आपसे जानना चाहते हैं कि क्षेत्र के लिए आपका कोई ड्रीम प्रोजेक्ट है कि जिसको आप अगले कार्यकाल में पूरा करना चाहते हैं? देखिए, हमारा मोहल्ला 200 साल पुराना है और बिल्कुल घना एरिया है, पतली पतली गली है, तो यहाँ ऐसा कोई ड्रीम प्रोजेक्ट करने के लिए हमारे पास यहाँ कुछ ऐसी व्यवस्था है नहीं, कोई ऐसी अपने जगह नहीं है कहाँ कुछ कर लिया जाए। बस ये है कि अपने रोड और पानी और नाली व्यवस्था, सफाई व्यवस्था सब सही रहे। मिश्रा जी, शिक्षा की व्यवस्था क्या है आपके वार्ड के अंदर? शिक्षा की व्यवस्था हमारे वार्ड में एक प्राइमरी नवीन स्कूल है जो अपने शेर वाले फाटक पे है, वो भी जर्जर हालत में है, और किसी की प्राइवेट अपने जगह पे वो बना हुआ है। बाकी कोई अपना हमारे यहाँ जो है कोई सरकारी और स्कूल वगैरह नहीं है। एक डीके इंटर कॉलेज है जो लड़कियों का स्कूल है, इंटर तक है भाई, उसके अलावा कोई नहीं है, बाकी व्यवस्था सब सही है पढ़ाई वढ़ाई। मिश्रा जी, हमारे चैनल के माध्यम से आप क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं आपके चैनल की माध्यम से जनता को ये संदेश देना चाहता हूँ कि उन्होंने जो मेरे कार्य देखे हैं और जो मैं उनके लिए कर रहा हूँ, और भविष्य में भी अगर उन्होंने मुझे आगे चुन के भेजा तो इसी प्रकार उनकी मैं सेवा करता रहूँगा, ये मैं जनता को आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ। मैं आपको एक बात और बताना चाह रहा हूँ कि हमारे 4 कामों के टेंडर जो हैं हो गए हैं, जिसमें से एक काम हमने जो है पंजाबपुरा में डोरीलाल वाली गली है उसको पूरा कर दिया है। 3 काम हमारे अभी और बचे हैं, जैसे कि उसमें एक नीम की चाई ढाल से लेके नीचे तक होना है वो काम, और दूसरा हमारा नवदुर्गा मंदिर अलकनाथ मंदिर के सामने अन्नपूर्णा मंदिर वाली रोड जो है
नवदुर्गा मंदिर तक वो बननी है, और दूसरे हमारे एक वार्ड में कुमार कोचिंग वाली गली और मछलियों वाला मंदिर है, ये रोडें और तमाई तैयार हो जाएंगी, इसे देख के जनता और हमारी प्रसन्न हो जाएगी। और बाकी अगर कोई काम बचेगा तो हो सकता है इस टर्न में ना हो गए, हम अगले टर्न में उसे कराने की कोशिश करेंगे अगर जनता ने हमें अपना विश्वास दिया तो।